हेलो दोस्तों, मैं लालचंद आज फिर आपको आपसे संघर्ष आईएएस पे मिल रहे हैं और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और इसी के साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए आज हम करंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा करें। तो नियंत्रक लेखा महालेखा परीक्षक के बारे में आप जानते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो है यह पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यह है, यह भारत सरकार का प्रधान लेखाकार सलाहकार है और तकनीकी रूप से प्रबंधन और लेखा प्रणाली की स्थापना और लेखांकन हेतु जिम्मेदार है। ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट भी। तीसरा है, सीएजी के कार्यालय द्वारा संघ सरकार के व्यय और राजस्व उधार और विभिन्न राजकोषीय संकेतों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण किया जाता है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आपका लास्ट में आप देखिए, तीनों ऑप्शन सही है, डी। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, देखो अपना देश अभियान पर विचार करें। भारत सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया है हाल में। तो इसका पहला पॉइंट आप देखिए, इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही। इस पहल के तहत नागरिकों को देश के अंदर भीतर जो है उन्हें भारत के विशिष्ट संस्कृति को जानने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। मतलब देश के अंदर जो है नागरिकों को जहाँ जहाँ सांस्कृतिक स्थल हैं वहाँ पर उनको ले जाया जाता है और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, अपने संस्कृति अपने राष्ट्र के प्रति जो है उनको गौरवान्वित महसूस की करने का प्रयास किया जाता है। और इसके साथ है, जिसमें देश के घरेलू पर्यटन और पर्यटन अवसंरचना का विकास हो सके। तो जाहिर सी बात है, जब पर्यटन बढ़ेगा तो उससे आमदनी बढ़ेगी और सरकार उस पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट में उसको लगाएगी। तो इसका आप देखेंगे, इसमें जो है आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसी के साथ तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, परख के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है यह है शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल में जो है इसको शुरू किया गया था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत परख एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यह देशों में सभी स्कूल बोर्डों के लिए छात्र आकलन तथा मूल्यांकन और मानक निर्धारित करेगा। तो ये देश में जितने भी स्कूल हैं, जो भी स्कूल कॉलेज हैं, उनका एक मानक पैमाना डिसाइड करेगा कि मतलब उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके साथ तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह केवल राष्ट्रीय स्तरों पर अध्ययन परिणामों की निगरानी हेतु मानकीकृत परीक्षण के लिए दिशा निर्देश देगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा के लिए क्या क्या जरूरी है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए जो है वो सरकार को दिशा निर्देश भी देती रहेगी। तो इसका तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट, सॉरी, ये तीसरा पॉइंट जो है ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये केवल शब्द है। आप ध्यान से देखिए, ये केवल शब्द है जो कि इस पॉइंट में जो है राज्य और राष्ट्रीय, मतलब राज्य के स्तर पे जितने स्कूल हैं और राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो सबको जो है ये ध्यान रखेगा। तो इसलिए जो है तीसरा पॉइंट गलत है और बाकी आपका जो है इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ई विद्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट इसका है, प्रधानमंत्री ई विद्या पहल की घोषणा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए किया गया था।
तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट ये है, यह छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा को बहुपद्धति और न्याय संगत के रूप में सुगमता से पहुंचाने के लिए डिजिटल और डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल है। तो ये दूसरा पॉइंट भी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्स परियोजना के बारे में चर्चा करें। तो स्टार्स जो है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो है आपका स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो यह एक प्रोजेक्ट है, इसको भी जो है भारत सरकार की जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये भी शुरू किया गया है। तो इसका जो है पहला पॉइंट आपका देखिए, स्टार्स 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने हेतु विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक परियोजना है। तो यह परियोजना जो है विश्व बैंक द्वारा समर्पित उसको जो है सहयोग मिल रहा है। तो इसका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो है स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया। यह एक मतलब केंद्र सरकार द्वारा समर्थित योजना है। तो इसका जो है ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है, परियोजना में सम्मिलित 6 राज्य हिमाचल प्रदेश केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा और राजस्थान। तो ये जो 6 राज्य, ये पहली प्रारंभिक में जो है 6 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये तीसरा पॉइंट भी सही होगा। तो इस तरह से इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ सारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि अगर तुम्हारे सपने ही बड़े हों तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता। तो मित्रों आप लोग यहाँ पर आए होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी से स्टेट से ले कर अलग अलग एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए आए हैं, तो आप उनके सपने पर खरा उतरिए। तो आप अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा ही आपका संघर्ष होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।